देखे कि देश का ये बहुत चर्चित घोटाला कांड हो गया हमारे बिहार के एक आईएएस पदाधिकारी के साथ जो है, इतना ज़्यादा रुपया काली कमाई विभिन्न विभिन्न लोगों पर अर्जित करना और रखना। मैं इन सब सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ ईडी के पदाधिकारियों को। पूरी गहराई तक पहुंचने का काम आज ईडी डिपार्टमेंट ने कर रही है, इसलिए हम ईडी के बहुत बड़े फैन हैं। संजीव हंस जी को ईडी से स्वतंत्र रूप से कोई भी जानकारी या पूछताछ करने के लिए पदमुक्त होना बहुत जरूरी था। देखिए, मामला ऐसा है कि संजीव हंस एक हमारे बहुत पुराने जानने वाले मित्र थे और मैं ये बात नहीं जानता था कि इस तरह के मामले में संजीव हंस का नाम इन्वॉल्व है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तरह की बातें हैं, तो बीच में हमने बहुत कोशिश किया था कि आपस में सुलह हो जाए, लेकिन ये अपने एटीट्यूड में रहते थे और उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किए। तो आज मामला यहाँ तक चला गया है कि प्रवर्तन निदेशालय तक पहुँच गया है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने जो है ईडी की जब छापा की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इतना ना सुराग और इतना ना काली धन की प्राप्ति हो रही है विभिन्न जगहों से कि ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। क्या बोले, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा काली कमाई वाली प्रॉपर्टी बरामद होने की आशंका कभी हमने सोचा भी नहीं था जीवन में। बहुत अच्छा पदाधिकारी हम समझते थे, अच्छे व्यक्ति समझते थे, लेकिन अब तो हम जानकर यही देखे कि देश का ये बहुत चर्चित घोटाला कांड हो गया हमारे बिहार के एक आईएएस पदाधिकारी के साथ जो है। लेकिन संजीव हंस के ऊपर लगातार एक तरीके से दबी से दूसरे तरफ कहा ये जा रहा था कि आपको भी बुलाकर पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। ए भाई, देखिए, सारा बिहार जानता था कि संजीव हंस के बहुत निकटतम व्यक्ति हैं, तो कानून की ये प्रक्रिया होती है कि निकटतम व्यक्ति से भी पूछताछ करना। तो हमसे जो पूछताछ ईडी किया, जो मैं सही जानता था, वो मैंने बता दिया। आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि इतना बड़ा माफिया अधिकारी आपके जानते? अब देख के तो आश्चर्य होता है, इतना ज्यादा रुपया काली कमाई विभिन्न विभिन्न लोगों पर अर्जित करना और रखना और नाम मेरा बदनाम होना पूरे बिहार के सामने में, हमको तो बहुत आपको कहकर दुख होता है कि कई मीडिया में पहले पूरे बिहार के लोगों ने वो क्या बोलते हैं उसको जवाब दिया जाता है उसको कमेंट्स में दलाल दिए कि उन्हीं के साथ आप कमाते थे, काम करते थे, ये वो। तो हम लोगों को, बिहार के दर्शकों को और सारे लोगों को बता दें कि पटना एयरपोर्ट पे मैं काम करते हुए परिवेश में उनसे दोस्ती हुई थी। मैं सरक छाप आदमी नहीं था जब संजीव हंस से मेरी दोस्ती हुई थी। तो काम के बाद हुआ है संजीव हंस से दोस्ती, ऐसा नहीं है कि हम संजीव हंस पे ही डिपेंड करते थे। संजीव हंस जिस समय पंजाब मेल से अमृतसर जाया आया करते थे, उस समय हम हवाई जहाज पे सहारा इंडिया एयरलाइंस पर घूमते थे, ये हाल है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, बिहार की जनता भोली भाली, उसको क्या पता है। अब तो बिहार के जनता को क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मैं इन सब सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ ईडी के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कितना मेहनत और कितना मुशक्कत, कितना दिमाग लगा करके, सोच समझ के, दूध का दूध पानी का पानी, पूरी गहराई तक पहुंचने का काम
आज ईडी डिपार्टमेंट ने कर रही है, इसलिए हम ईडी के बहुत बड़े फैन हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि न्यायालय से तो खैर फैसला होगा ही होगा, मिलेगा ही न्याय, लेकिन ईडी से पहले मिल गया, यही मेरी जानकारी में जो है जो आपको मैं बता रहा हूँ। भाई देखिए, पद मुक्त करना टेक्निकल इशू हो गया था, पद मुक्त करना संजीव हंस को विभाग से नहीं हटाने पे भी माननीय मंत्री बिजेंद्र यादव जी के ऊपर भी बहुत सारे बदनामी और दाग लग रहे थे, इसलिए संजीव हंस जी को ईडी से स्वतंत्र रूप से कोई भी जानकारी या पूछताछ करने के लिए पद मुक्त होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके साला से हो गया, सारे लोग से हो गया, और उनको पद पर रहते हुए अच्छे तरीके से ईडी छानबीन करने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ रही थी, इसलिए उनको पद मुक्त होना पड़ा। नीतीश कुमार का ये एक्शन है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी का एक्शन है। अब लगता है कि नीतीश कुमार जी के यहाँ से जो भी सारे एक्शन, जो लोग बोलते थे कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई फटाफट होने वाली है, अब नहीं बच पाएंगे कोई भी घोटालेबाज। लग रहा है कि मुश्किल बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल मुश्किल बढ़ेगी, ये संकेत देता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।